गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑल चैप्टर्स ऑफ सिविक्स. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स, व्हिच काइंड्स ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस ऑल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड and already we have discussed. And today we will understand the one of the most big essence of our constitution is that the secularism, which make us very unique country in this world. The existence of secularism in our country make it very big thing for our country, in which We all from different community exist together, है ना? This all thing we will focus now. We will understand it, how we all community exist together. We all celebrate all religious festival together. Okay, this is a very big essence of our country. That land is one, but here exist ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, हर एक तरह का रिलीजन हो, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. लुक, पहले एक कहानी दिया हुआ कि सेक्युलरिज्म क्यों जरूरत है, ठीक है? सेक्युलरिज्म होने से हमारे देश में क्या क्या चीज की कमियां या क्या क्या चीज की नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है? ठीक है, सेक्युलरिज्म होने का एडवांटेज क्या है, ठीक है? ये कहानी के थ्रू समझेंगे. पहले डिफरेंट कंट्रीज को देखेंगे जहां जहां सेक्युलरिज्म नहीं है, ठीक है, और उससे कंपैरिजन करेंगे कि अपना क्या कंडीशन. ओके, तो देखो, सेक्युलरिज्म, इमेजिन योरसेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम, कोई भी मान लो, लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल, जहां क्रिश्चियनिटी को प्रीफर किया जाता. सपोज डेट डिस्पाइट बींग अ यूएस सिटीजन, नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, ठीक है? वहां तुम गए यूएसए और तुम्हें, ठीक है, वहां पे कोई भी घर रेंट पे नहीं मिल रहा, और अपने आप को तुम क्या इमेजिन किए हो, या तो हिंदू या तो मुस्लिम, है ना? मतलब कोई भी एक रिलीजन क्रिश्चियन को छोड़ के, ठीक है? ये हिंदू मुस्लिम इसलिए यूज किया गया क्योंकि इंडिया का कंटेक्स्ट में पड़ रहे हैं. हिंदू मेजर रिलीजन है और मुस्लिम माइनॉरिटी में सबसे बड़ा रिलीजन है, ठीक है? तो इसलिए ये दोनों को इमेजिन करने बोला जा रहा. ऐसे तुम क्रिश्चियनिटी को छोड़ के अपने आप को कोई भी रिलीजन का पीपल मान लो, ठीक है? तो तुम गए यूएसए, वहां तुम्हें रेंट पर नहीं मिल रहा. हाउ वुड दिस मेक यू फील, ये तुम्हें कैसा फील कराएगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल, क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करेगा, ठीक है? व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और तुम इस चीज का शिकायत करते हो तो शिकायत करने पर तुम्हें जवाब मिलता है कि आप भारत पुनः चले जाए. Would this not make you feel angry? क्या ये तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाएगा? Your anger could take two forms. अब जब इंसान गुस्साता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslim are in majority. अब मन में क्या ख्याल आएगा कि साला ये क्रिश्चियन लोग को भी ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए, है ना? कि क्रिश्चियंस को भी इसी तरह ट्रीट करना चाहिए अपने कंट्री में या अदर कंट्रीज में जहां हिंदू और या मुस्लिम मेजोरिटी में हो, ठीक है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, ये बदला का भावना ला दिया दिल में. क्या ला दिया? ये जो कंसेप्ट था, ये क्या किया तुम्हारे दिल में? बदला का भावना ला दिया, है ना? रिटेलिएशन लिया आया कि बदला का भाव होना, रिएक्ट, उस पर रिएक्ट करके बदला लेना, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या, यू माइट टेक द
व्यू डेट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। और फिर तुम्हारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, या तो फिर सारे को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। यू मे फाइट स्टेटिंग डेट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स, ठीक है। आपका मन में क्या ख्याल आता आएगा कि नहीं ये गलत है, ये अन्याय है, न्याय चाहिए। तो न्याय कब मिलेगा कि जब किसी भी इंसान को उसके धर्म और उसके जात के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा तब, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया कौन सा है, रिटेलिएशन कि जैसे जिस तरह वो तुम्हें ट्रीट किया उसी तरह तुम ट्रीट करो, या सारे के लिए सॉल्यूशन। देखो जैसे वो ट्रीट किया अगर तुम वैसे ट्रीट करोगे तो सिर्फ तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा गुस्सा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं आएगा सोसाइटी में। सोसाइटी में बदलाव कब आएगा, जब तुम कूल होकर सबके लिए सोचोगे कि नहीं हर एक रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस को इक्वली ट्रीट किया जाए, तो ये सबको बेनिफिट पहुंचाएगा ना, तो सारे का बेनिफिट हो वैसा काम करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन लेंगे। दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द अजम्पशन डेट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ये एसेंस है सेक्युलरिज्म का कि सेक्युलर बनेंगे, ठीक है, किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इक्वली सबको ट्रीट करेंगे, है ना। तो यही चीज हम लोग इंडिया का कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी जो कहानी देखे वो क्या था, यूएसए का कंटेक्स्ट में था। यूएसए में क्या है ना कि क्रिश्चियनिटी को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, वहां पे क्रिश्चियनिटी को दिया जाता है। और भारत में क्या, सेक्युलरिज्म है, ठीक है, भारत किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देती है, ठीक है, यहाँ पे सब इक्वल है, हम सब भाई भाई, ठीक है। बात अलग है कि हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं गंदे लोग जो कि धर्म और जात के आधार पे एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं, ठीक है। देखो अब आगे, अब इंडिया का कंटेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इतिहास पलट के देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के आधार पर। इतिहास वर्ल्ड लेवल पे भी देखोगे तो एग्जाम्पल्स मिलेगा, ठीक है, और डोमेस्टिक लेवल पे भी देखोगे तो कुछ कुछ शासक ऐसा रहे जो कि वन साइड डोमिनेशन करना चाहे तो उनका शासन चल भी नहीं सका लंबा, ठीक है। चलो, यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वेर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी, ठीक है, हिटलर जो था ना, हिटलर, ठीक है, ये नाइन्थ में पढ़ोगे हिटलर के बारे में, नाजीज्म के बारे में, हिटलर जो थे, ठीक है, ठीक है, ये ज्यूज लोग को बहुत मारे थे, है ना, मतलब ये लार्ज स्केल पे मैसेकर हुआ था ज्यूज का जर्मनी में हिटलर के समय में, ठीक है। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, इसी ज्यूज के बारे में बता रहा, मास बोलते ना, मास लेवल पे, ठीक है, मास मैसेकर हुआ था, ठीक है। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। अब आप ज्यूइश के अगेंस्ट को कर दिए, अब जब ज्यूइश अपना नेशन बनाया इजराइल, इजराइल में कौन सा रिलीजन को प्रायोरिटी दिया जाता है, ज्यूइश को, ठीक है। अब जब ज्यूइश नेशन बना इजराइल, ठीक है, तब अब क्या हुआ कि उसके देश में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन थे, ठीक है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन थे, उन्हें बुरी तरह ट्रीट करने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग का इम्प्रेशन क्या हो गया, खराब हो गया, है ना, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के प्रति इनका जो सोच था, विचार था, वो खराब हो गया, ठीक है। क्योंकि हिटलर जो काम किया उससे तो पूरा रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो एक होता है ना कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से रहना, ये सब सब बर्बाद कर दिया। तो अब इन लोगों का जहन में, जीवी लोग का जहन में क्या चल रहा था, बदला लेंगे, तो इसलिए ये लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगा, है ना। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। सऊदी अरेबिया में, ठीक है, टेम्पल बनाने की इजाजत नहीं है, ना ही चर्च, ठीक है, बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एटसेट्रा, एंड नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। और पब्लिक प्लेस पे आप इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है,
कि शाम में भाई आरती करें या चर्च में मिलें और प्रेयर करें, ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। बट नो, सीन हैज चेंज, ठीक है। जैसा अब यहाँ पे इसराइल के बारे पढ़ रहे, इवन सीन हैज चेंज, ये भी चेंज हुआ है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का बात कर रहे तो यहाँ पे भी चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज मतलब माइंडसेट चेंज हुआ है, को एग्जिस्टेंस का जो है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसका माइंडसेट चेंज हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, इन ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी इधर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। ऊपर सारे एग्जांपल्स में क्या देखें कि एक कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, वन रिलीजियस कम्युनिटी है, वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट कर रहा। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है। ये कब हुआ, हम लोग सारे सीन में देखें कि हर एक स्टेट का, स्टेट मतलब कंट्री है ना, सिविक्स में स्टेट का मतलब कंट्री होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, जो कंट्री है वो ऑफिशियली किसी रिलीजन को अप्रूव कर दिया हो, ऑफिशियली किसी रिलीजन को अप्रूव कर दिया हो, तो ऐसा कंट्री में क्या इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा जाता है, ठीक है। क्लियरली नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है, पसंद करेगा कि उसके साथ भेदभाव हो धर्म के आधार पे, ठीक है, या फिर उसे दूसरा कोई डोमिनेट करे। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन, भारत में है क्या ऐसा, नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत में ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं कुछ, ठीक है, भारत में ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं है, भारत का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर है, ठीक है। तब अब समझे इतना दूर तक सेक्युलरिज्म क्या, अब सेक्युलरिज्म को थोड़ा और इन डेप्थ देखते हैं क्या है। अभी तक तो बात समझ गए होगे कि क्या है, कि कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो किसी कंट्री का तो ऐसा कंट्री को सेक्युलरिज्म कहते हैं, है ना, कि किसी भी कंट्री में रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव ना हो ऐसा कंट्री को सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। अब और इन डेप्थ पढ़ते हैं क्या है। इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो फर्स्ट चैप्टर जब मैं कवर किया था आज से कुछ दिन पहले, ठीक है, तो उसमें ये सब चीजों पर डिस्कस किए थे, अगर ध्यान में ना हो तो प्लीज हैव अ लुक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ओके। लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा अपने स्कूल का, आप देख सकते हो वहां, ठीक है। तो ये सब डिस्कस कर चुके थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोवाइड तो करता ही है, आप फ्री हैं, आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, रिलीजियस बिलीफ के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, यू कैन लिव योर लाइफ, है ना, विथ एनी रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। इन कीपिंग विथ दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और इंडिया में हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जहां रिलीजन स्टेट को डोमिनेट ना करे, मतलब धर्म देश पे डोमिनेट ना करे, ठीक है, ठीक है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो एक डेफिनेशन और सेक्युलरिज्म का सामने आया, क्या आया कि सेक्युलरिज्म सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना। चलो ये देखो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्यों जरूरी है। देखो, एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, ठीक है। एक या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी स्टेट है, ठीक है, सेक्युलरिज्म
जो भी मतलब कंट्री अपने आप को सेकुलरिज्म कहता है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कि रिलीजन जो है स्टेट पे डोमिनेट ना करे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और इसी तरह देश जो है डेमोक्रेटिकली है ना फंक्शन कर पाएगा। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन, सॉरी विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज इन अ मेजोरिटी, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में क्या है, वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप इन देम, हर एक कंट्री में लगभग क्या है कि एक से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप है। विद दिस रिलीजियस ग्रुप, इन रिलीजियस ग्रुप में से देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन दैट इज अ मेजोरिटी। अब जहां पे एक एक या एक से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप है तो वहां पे कोई तो एक रिलीजियस ग्रुप होगा जो कि ज्यादा पैमाने पर होगा, ठीक है, ठीक है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना मेजोरिटी में होने का गलत फायदा उठाए कि दूसरे रिलीजन वाले को प्रायोरिटी ना दे, ठीक है, दूसरे रिलीजन वाले के अगेंस्ट काम करे, जैसे हिटलर किया ज्यूस के अगेंस्ट है ना, वैसा काम करे, ठीक है। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन कोरेक्शन एंड एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। मेजोरिटी अगर चाहे तो माइनॉरिटी का जो तुम्हारा प्रैक्टिस बिलीफ है इसे क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि एज एग्जाम्पल हम लोग हिटलर का देखें, अभी देखे नहीं हो, नाइन्थ में देखोगे है ना, बट अभी एक एग्जाम्पल तो है ना तुम्हारे दिमाग में, जिस तरह हिटलर जेविस का लार्ज स्केल मैसेकर करवाया, वैसा करवा सकता है कोई भी, ठीक है, ठीक है। Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen, irrespective of their religion. तो यही जो डेमोक्रेसी द्वारा इंश्योर किया हुआ राइट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या इंश्योर करता कि रिलीजन का बेसिस पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कोई एक दूसरे का रिलीजन के आधार पर, ठीक है, एक दूसरे का आधार पर कोई भी रिलीजन रिलीजियस पर्सन, ठीक है, या रिलीजियस ग्रुप एक दूसरे का रिलीजन के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ऐसा राइट्स हम लोगों को कहां मिला हुआ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फंडामेंटल राइट्स कहलाता है, ठीक है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन Why it is important to separate the state and religion in democratic society. तो इस तरह से ये दिखता है कि मान लो अगर कोई मेजोरिटेरियन लोग हैं, ठीक है, मेजोरिटी रिलीजन वाला जो पार्टी है, मान लो वो देश को रूल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूटली रूल कर रहा है, तो वो जो माइनॉरिटीज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये सब ना हो, ऐसा ना हो अपने कंट्री में, इसलिए क्या फंडामेंटल राइट इंश्योर किया गया हुआ हर एक सिटीजन के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट है ना, ठीक है, हर एक के लिए, जो जो भारत का नागरिक है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किया गया है कि कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। और इसलिए भारत में स्टेट को है रिलीजन से सेपरेट रखा गया, भारत में, ठीक है, स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखा गया, मतलब कि अपना देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है, ये बिना रिलीजन का देश है, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। देखो फिर आगे, अनदर रीजन डेट इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, इम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, ठीक है। और भी रीजन क्या है कि हम लोग स्टेट और रिलीजन दोनों अलग रखे हैं,
क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या है ना कि आपको आजादी है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप दूसरे रिलीजन को अपना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बंधे हुए नहीं हैं और दूसरे कंट्री की तरह आप फ्री हैं, आप चाहें तो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को, रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए और ये जरूरी है, अरे बहुत फ्लेक्सिबल है यार हमारा देश, ठीक है, यूनिक है, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है अपना देश का यूनिकनेस, ठीक है, बिना मतलब का परेशान रहते हैं। मतलब फॉर्चुनेट मानो अपने आप को, जो जो भारत धरती पे जन्म लिया ना, ठीक है, इंसान का हम बात कर रहे, एकदम रिलीजन कास्ट से हटा के हम सिर्फ ये बोल रहे कि भारत भूमि पर जो जो जन्म लिया है ना भारत का धरती पे, वो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि एक ही कंट्री में देखो कितना सारा रिलीजन एग्जिस्ट करता है हमारा कंट्री में। तो ये हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग हर एक रिलीजन को समझें, है ना, हर एक रिलीजन का ब्यूटीज को समझें, हर एक रिलीजन का खूबसूरती समझें, कौन सा रिलीजन में क्या कहा जाता है। और जब ये सब बात समझोगे ना तो बहुत अलग लेवल का तुम्हारा सोच हो जाएगा। तो फाइनली तुमको ये पता चलेगा कि सारा दुनिया मोह माया है, हकीकत यही है कि हम लोगों को अंततः करना क्या है। अब हम स्पिरिचुअलिटी का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज आई विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिविक्स टू द स्पिरिचुअलिटी, सो दैट आई विल नॉट फोकस ऑन द कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ द रिलीजन, ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट इतना जान लो सब रिलीजन का ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, सब रिलीजन का ऑब्जेक्ट एक ही है। कैसे है, क्या है, कभी फुर्सत में मिलोगे तब पूछना, तब बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे, चलो ठीक है। अब आगे देखो, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, ठीक है, आप हिंदुइज्म में ले लो, ठीक है, हिंदुइज्म ही नहीं और भी अदर रिलीजन में ले लो, अनटचेबिलिटी प्रभावित रहता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी हावी रहता है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी अब क्या अनटचेबिलिटी है, ठीक है, तब क्या बेकार का ये सब सोशल टैबू है, एक समय में चलता था जब लोग का माइंडसेट छोटा था, एजुकेशन नहीं था, है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, जब से साइंटिफिक टेम्परामेंट आया अपने देश में, ठीक है, एजुकेशन बढ़ा, तब लोग समझ गया कि ये सब बकवास है, तो रिफॉर्म हुआ ना जी सोसाइटी में। हाउएवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ द हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक डेट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई टू चेंज दिस। अगर मान लो कि भारत जो स्टेट है इसका पावर किसी ऐसा हिंदू सपोर्टर्स के हाथ में रहता कि जो कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, मतलब उसको लगता हो कि अनटचेबिलिटी अच्छा है, तो क्या ये रिफॉर्म हो पाता, नहीं हो पाता। इवन इफ यू वेयर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से डेट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड डेट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट दिस डिफरेंटली। अगर मान लो कोई भी एक रिलीजन जो है वो स्टेट को डोमिनेट कर रहा, तो सपोज कर लो हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म डोमिनेट कर रहा और ऐसा किसी के हाथ में कमांड रहे कि वो बोले नहीं भाई हिंदुइज्म ही सब चीज है और हिंदुइज्म को इंटरप्रिटेट जो है, ठीक है, करने का आजादी आप में नहीं है, जो कह रहे हैं जो कहा गया है वो है, मतलब इस तरह का कुछ डिक्टेटरशिप हो जाए, तानाशाह बात हो जाए, ऑर्थोडॉक्स हो जाए, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वाला बात हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, चलेगा नहीं, ना ही देश चलेगा ना ही सोसाइटी चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि हमारा देश में स्टेट और रिलीजन सेपरेट है। फिर यहां क्या है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, नेक्स्ट टॉपिक। यहां एक बच्चा लोग का कार्टून है, ठीक है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा एंड गॉड है वो, है ना, मतलब
इस्लाम, हिंदुइज्म, सिख एंड क्रिश्चियनिटी, देन हम साथ साथ हैं। वाकई हम साथ साथ हैं, ठीक है। अरे बहुत यूनिक कल्चर है यार भारत का। हम तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि हम भारत में पैदा लिए हैं, और हम बहुत प्राउड करते हैं कि हम इंडियन हैं, कि हम एक देश में रह के बहुत सारे रिलीजन का एसेंस को जानते हैं। रियली हम बहुत प्राउड करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं, ठीक है। माइंड जो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए कि हम इंडियन हैं, उसका बाद देखो कितना मजा है अपना देश में, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म जो है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि पढ़ाते ही रह जाएंगे, है ना, फिर तुम लोग घर पे होमवर्क करने में कतराओगे। तो ये जो कंटेंट है, तो ये तुम लोग अपना बुक से पढ़ना, ठीक है। तुम्हारे पास जो बुक है ना 8 क्लास वाला, उससे पढ़ना, वहां पे भी सेम चीज मिलेगा, यही एसेंस मिलेगा, ठीक है। रीड आउट करना और बढ़िया से पढ़ना, है ना, जिस तरह से समझाएं बात उस तरह से सोच समझ कर पढ़ना, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म से। बाय, टेक केयर।